बनी सुरवीर उहे बनी और अब वक्त हो गए बाटे कार्यक्रम के आगे बढ़ावे के। जैसन के रउआ सब जाना तानी कि हमन के संगीत के महासंग्राम के जब भी शुरुआत भइल बाटे, जब भी योद्धा लोगन के बुलावल गइल बा, पहला प्रतिभागिन के बुलावल गइल बा, त शंखनाद के साथ एकर शुरुआत भइल बा। अनुराधा जी से हमारी गुरु माँ से पूछना चाहूँगा कि आज शंखनाद की जिम्मेदारी आप किसको सौंपे? मेरे ख्याल से संजीव को हम ये जिम्मेदारी सौंपे। बिल्कुल सही सोच है आपकी, उत्तम सोच। संजीव जी शंखनाद करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीदी ने कहा है तो डेफिनेटली जी। महासंग्राम के शुरुआत हो गए भैया शंखनाद के साथ है। अब आग्रह, एक और आग्रह मैं करना चाहूंगा हमारी गुरु माँ अनुराधा जी से कि आज उत्तर प्रदेश के महारथी में से या बिहार के सुरमा में से मैं खुद नहीं बुलाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि कौन आएगा। यश जी, शंखनाद संजीव ने किया है जी। तो क्यों ना वो पर्ची निकाल करके वही डिसाइड करे कौन आएगा। उत्तम विचार संजीव जी। यूपी के महारथी टीम के योद्धा इशरत, इशरत आ रहल बाड़ी हमन के सामने आज के महासंग्राम के शुरुआत करे खातिर। बहुत बहुत स्वागत है इशरत आपका। थैंक यू इशरत। हम बता दिया चाहता नहीं कि आज ये महासंग्राम के शुरुआत तोहरा से होता, लेकिन आज के एपिसोड में चार गो प्रतिभागी, चार गो योद्धा लोग अपन गायकी पेश करी लोग। चारों जनी के नंबर एकदम गुप्त रखल जाय और शो की आखिरी में बतावल जाय कि केकरा के कितना नंबर मिलल बा। वो नंबर के आधार पर आज एगो प्रतिभागी एगो योद्धा ई मंच छोड़ के चल जाई, कहां से कि एलिमिनेशन दौर शुरू हो गई बाटे। हर एपिसोड में एगो प्रतिभागी के एगो योद्धा के ई मंच छोड़ के जाए के पड़ी। और मजेदार बात ई बाटे, उत्तर प्रदेश के महारथी और बिहार के सुरमा लोग जो हमेशा भोजपुरी गाने गाए हैं, इन लोगों के मुंह से हिंदी गाने सुनना, बॉलीवुड का गीत सुनना अपने आप में एक अलग मजा होगा, क्योंकि उसमें भोजपुरी का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा, इनपुट होगा। तो देखा जाए कि ये भोजपुरिया जवान लोग हमारे बॉलीवुड के संगीत को, बॉलीवुड के गीत को किस तरीके से, किस अंदाज में पेश करते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। माही वे मोहब्बता सचिया ने, माही वे मोहब्बता सचिया ने, मंगदा नसीबा कुछ और है। माही वे मोहब्बता सचिया ने, मंगदा नसीबा कुछ और है। किस्मत दे मारे अस की करिए, किस्मत दे मारे अस की करिए, किस्मत दे मारे की करिए, किस्मत दे किसका जोर है। माही वे, माही वे, माही वे, माही वे। भोजपुरिया मंच पे बॉलीवुड के संगीत के आगाज हो गई बाटे और इशरत तोहरा गायकी का पहला जौन प्रदर्शन बा। चलो देखल जाओ कि तोहरा सुर के वार से कितना बड़ प्रहार भइल बाटे हमन के निर्णायक मंडल पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा हमारे संजीव राठौड़ जी से, आपको कैसी लगी इशरत की ये परफॉर्मेंस? पहली परफॉर्मेंस है ये और आई एम सो इम्प्रेस्ड।
कि मैं क्या कहूँ। इन्होंने दोनों ऑक्टेव में, लोअर ऑक्टेव में भी गाया, हायर ऑक्टेव में भी गाया, सुरों के साथ खूबसूरत माहौल बनाया, और सबसे अच्छी बात ये थी कि स्माइलिंग गा रही थी, ये खुद इंजॉय करके गा रही थी, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत मज़ेदार परफॉर्मेंस थी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। संजीव राठौर जी के बाद मैं जानना चाहूँगी अपनी गुरु माँ से कि उन्हें कैसा लगा आपका परफॉर्मेंस। बहुत अच्छा गाया तुमने इशरत, और हम लोग तो जजमेंट्स तो देते ही आए हैं इतने दिनों से, लेकिन इस जनरेशन के जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं तो उन्होंने ये कहना बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए, और कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा गाया। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। अब हम जानना चाहेंगे हमारे आज के सेलिब्रिटी जज मोहम्मद अजीज़ साहब। मैं तो आज पहली बार आया हूँ और पहली बार तुम्हें सुन रहा हूँ। जी सर। तुम्हारी आवाज़ और इस गाने का मेल बहुत अच्छा है, और जो तुम्हारी आवाज़ है ना, इस तरह की आवाज़ वाले जितने सिंगर्स हैं ना, बहुत कॉन्फिडेंस वाले होते हैं वो। मैंने देखा, ये तीखी आवाज़ है तुम्हारी और तीखे अंदाज से गाया, ऑल द बेस्ट। सर आपके सामने गाने की मैंने ज़रूरत की है, लेकिन मेरा एक ख्वाब था कि कभी आपको देखूंगी, और मेरा ख्वाब यहाँ पे पूरा हो गया, ये मेरे लिए बहुत ही मतलब नहीं, मुझे भी खुशी हो, मुझे भी सौभाग्य की बात, मुझे भी खुशी हो रही, मैं तुमको देख रहा हूँ, और तुमको सिर्फ मैं नहीं देख रहा हूँ, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं महुआ प्लस की तरफ से, और ये अच्छी बात है, ये ऐसा मौका मिला, ऑल द बेस्ट। आप लोगों के सपने को ही पूरा करने के लिए हम लोगों का ये महुआ प्लस का टीम और ये शो, जिसका नाम है सुरवीर संगीत का महासंग्राम, कदम से कदम बढ़ा करके आगे बढ़ रहा है और हमेशा बढ़ता रहेगा। थैंक यू प्लीज। सुरवीर, सुरवीर,